गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में अपनी ताकत दिखा रही है। साथ ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने बागी नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने पार्टी से बगावत करने वाले 7 नेताओं को निष्कासित कर दिया है, जिसमें मधु श्रीवास्तव, अरविंद लादानी समेत 7 नेताओं के नाम शामिल हैं। इन बागी नेताओं ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है।